बॉलीवुड में विंग कमांडर अभिनंदन पर फिल्म बनाने के लिए लगी होड़। 23 टाइटल रजिस्टर्ड हुए। पूरे देश में जहां पिछले दिनों तनाव का माहौल था, वहीं अब आज का दिन जहां सब खुश नजर आ रहे हैं। 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में देश के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। इसका बदला हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर जाकर लिया और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान का जाबाज सिपाही विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में जा पहुंचा, जब हमले के दौरान फाइटर प्लेन पाकिस्तान में जा गिरा। पाक आर्मी ने पिछले दो दिनों से अभिनंदन को हिरासत में रखा था, जिसके बाद आज अभिनंदन भारत आ रहे हैं। साथ ही इस खबर से पूरे देश में आज हर कोई खुश है। वहीं फिल्म प्रोड्यूसर्स ने इस पूरे मसले पर फिल्म बनाने की भी प्लानिंग कर ली है। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स देश के इस हीरो को पर्दे पर उतारना चाहते हैं। पिछले दिनों इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IMPPA के अंधेरी कार्यालय में कई नामी प्रोड्यूसर्स पुलवामा, बालाकोट, अभिनंदन जैसे फिल्म टाइटल रजिस्टर करवाने पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस सब पर करीब 23 टाइटल रजिस्टर्ड किए गए हैं। एयर स्ट्राइक और हाउ इज द जोश समेत 23 टाइटल्स को प्रोड्यूसर्स ने रजिस्टर्ड कराया है। टाइटल रजिस्टर करने वाली इम्पाकिंगा जुजवला ने इस बात की पुष्टि भी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक को लाने वाले मेकर्स ने इसको लेकर एयर स्ट्राइक और हाउ इज द जोश जैसे टाइटल्स को रजिस्टर्ड कराया है। वहीं इसके साथ ही एयरलिफ्ट के मेकर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक के आगे टैग लाइन लगाकर टाइटल रजिस्टर करवाए। साथ ही टी सीरीज की तरफ से भी पुलवामा नाम से मिलते जुलते करीब 7 टाइटल्स रजिस्टर्ड किए गए हैं। इसमें विंग कमांडर अभिनंदन के नाम का टाइटल भी शामिल है। ऐसे में साफ है कि मेकर्स भी पर्दे पर हमारे देश के जाबांज हीरो विंग कमांडर अभिनंदन की कहानी को दिखाना चाहते हैं। बता दें कि हाल ही में देश के हीरो विंग कमांडर अभिनंदन भारत आए हैं।